अगर सुसमाचार के द्वारा हम पे ताड़ना आ रही है तो हमारे लिए रास्ता स्वर्ग का खुला हुआ है यीशु के नाम में। ये लंबे समय तक नहीं होता है। मैंने क्या बताया कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुझे भेड़ियों के बीच भेजता हूं। कहां भेजता हूं भाई? भेड़िया। और जब वो भेड़ियों को देखेगी तो भेड़िया क्या करेगा? फाड़ना चाहेगा। भेड़ों को क्या करना चाहेगा? फाड़ना चाहता है। पर ध्यान से सुनो एक रहस्य की बात, भेड़िया शैतान के स्वभाव में, पर भेड़े परमेश्वर के स्वभाव में है। इसलिए वो दिखती जरूर है भेड़े। भाई कोई हमें गाली देगा तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम अपना मुंह खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हम भेड़े जरूर हैं, पर हम भेड़ों के अंदर सर्वशक्तिमान वास करता है। कोई आपको दो बात कहे, कोई आपकी बुराई कहे, तो भाई हमें उसको जवाब नहीं देना। हमें अपना शरीर, अपना ओंठ नहीं गंदा करना, जिन ओंठों से हम प्रभु को महिमा देते, क्योंकि ये हमारे ओंठ शक्तिशाली हैं। ये व्यर्थ कामों के लिए नहीं, बीमारों को चंगा करने के लिए और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए। आमीन। इसलिए देखो ध्यान से, इसलिए यीशु ने कहा भाई मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। और इसका मतलब ये कि संसार क्या है? संसार में जो गुनाह है, जो पाप की जिंदगी जी रहे हैं, जो गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं, जो पाप की जिंदगी जी रहे हैं, जो मारपीट की जिंदगी जी रहे हैं, अर्थात तमाम बुरे कामों में जो जी रहे हैं, वो एक भेड़िए के समान जी रहे हैं। और वो जब भेड़ों को देखेंगे तो निश्चय ही उन पर, उनको फाड़ खाने के लिए उन्हें मारेंगे, उन पर सताव लाएंगे, उन पर तमाम समस्याओं को ला सकते हैं। पर ध्यान से सुनो, खुशखबरी ये है कि अभी हमने जो वचन सीखा पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 में, कि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। बोलिए, सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं। और यदि आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो सुसमाचार आपके लिए सामर्थ्य है। क्या है सुसमाचार हमारे लिए? क्या है? सामर्थ्य है। एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था, मूसा नाम था। वो बहुत सीधा था। जब किसी चीज की घटी होती इसराइलियों में, तो लोग पूरी भीड़ की भीड़ मूसा को मारने के लिए दौड़ती। हो जी, तुम कहां लेके आ गए? मेरे लिए ये व्यवस्था करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, नहीं तो पत्थरवाह करेंगे। वो परमेश्वर से पूछता, ओ परमेश्वर, लोग मुझे मारने पे तुले, मैं क्या करूं? वो बहुत सीधा था, बहुत नम्र था। पर परमेश्वर उसी के द्वारा, जानते क्या किया, उसी के द्वारा 430 साल गुलामी में रहने के कारण, उसी नम्र व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा 430 साल के बाद वो पूरी प्रजा लगभग 20 लाख कितना लगभग 20 लाख लोग आजाद हुए उसी नम्र व्यक्ति के द्वारा, यीशु के नाम में हालेलुया। अब ये समझिए, वो नम्र व्यक्ति को कौन पसंद करता था? शैतान नहीं। बोलो, कौन पसंद करता था? शैतान तो जलता था कि इसे मैं भेड़ी, इसे मैं खा जाऊं, इसे मैं फाड़ खाऊं। पर ध्यान से सुनो, भेड़िया बलवान नहीं है, भेड़े बलवान है। भेड़िए के साथ में शैतान है, पर भेड़ों के साथ में पूरी दुनिया का मालिक है। हालेलुया, आमीन। यही है, आप जब सुसमाचार पे भरोसा रखते हैं तो आप भेड़ के समान जिंदगी जीते हो, सिंपल और साधारण, या हम कहें नम्रता के स्वभाव में, दीनता के स्वभाव में हम जीते हैं। पर यही नम्रता और दीनता आपको उठा के ऊंचा करेगी। हालेलुया। जल्दी से इस पद को पढ़ो, नोट करो। और वहां पे लिखा है, पढ़ेंगे भजन 37 अध्याय का 34वीं आयत। देखो पढ़ो क्या लिखा वहां पर, भजन 37 का 34 पद हमारे साथ पढ़ो, और जब इसको पढ़ लेना तो रिसीव करना परमेश्वर क्या कह रहा है आपके लिए। हालेलुया। देखो वहां पे क्या लिखा, परमेश्वर की बाट जोहता रहा। हाथ उठा के बोले, परमेश्वर की बाट जोहता रहा। और लिखा है, उसके मार्गों पर बना रहा, बना रहा, बना रहा, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा।
बना रहा, उसके मार्गों पर क्या रहा भाई, बना रहा। अगर आज आंसू गिरते हैं, कल आंसू पोंछ लिए जाएंगे। परमेश्वर हमारी तकलीफों को हटाएंगे, हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, हम भेड़ियों के आजू बाजू में जरूर रहते हैं, हमारे आपके आजू बाजू में या हमारे आपके कहीं भी। हाँ, वो शैतान हमें फाड़ना चाहता है, शैतान हमें गिराना चाहता है, हमारे विश्वास को चुराना चाहता है, पर परमेश्वर के साथ उसके सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण आप उस भेड़िए से 100 गुना बलवान है। हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। 100 गुना में कहता हूं आप उससे बलवान हो। आप जानते हैं कि फिलिपियों की किताब में क्या लिखा है, 2 अध्याय और उसके 6 से हमारे साथ पढ़िए, और देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वहां से क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों 2:6 से हमारे साथ पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर यीशु किसके स्वरूप में थे, उत्तर बताइए आप लोग, परमेश्वर के स्वरूप में थे। ओ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य, मतलब परमेश्वर के जैसे होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर था, पर परमेश्वर के जैसे अपने आप को नहीं समझता था। बोलो 7, और उसके बाद क्या लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया, शून्य करने का मतलब नम्र, अपने आप को नम्र बना दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप, यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण किया, क्योंकि उसने अपने चेलों के क्या धोया, पैर धोया कि नहीं धोया। भाई कुछ भी हो जाए, मौसम खराब रहे या कोई भी समस्या रहे, पर हम आपकी सेवा के लिए यहां रहते हैं। आप सीधे घर से आके बैठ गए, पर सोच लो रात 2 उठकर प्रेयर शुरू करना आपके लिए, ताकि मेरे बेटे और बेटियां, मतलब परमेश्वर की संतानें, वो स्ट्रांग बन के जाए, कमजोर बन के ना जाए, यीशु के नाम में। आप समझो इस बात के लिए, हमें उस बात की चिंता रहती है कि मेरी भेड़ों को जो खुदावन ने हमें दिया, वो हमारी भेड़े हमारे जैसे स्ट्रांग बने, आशीषित बने, यीशु मसीह के नाम में। और देखो फिर से उस चीज को, उसकी बात की बात, पर 7, यीशु ऐसा शून्य अपने आप को कर दिया। शून्य का मतलब नम्र हो गया, दास का स्वरूप धारण किया, अर्थात अपने चेलों के पैरों को धोया, और उसने कहा तो मेरी सेवा के लिए नहीं, परंतु मैं तेरी सेवा के लिए आया हूं, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के जैसे। पर क्या वो मनुष्य है, वो क्या था, ऊंची आवाज में कहिए, वो परमेश्वर है, पर वो अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दास के जैसे बना लिया, अपने आप को मनुष्य के समानता में आ गया। और फिर क्या लिखा है उसके आगे, 8, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, बोलिए मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, अपने आप को दीन किया। क्या किया, पर वो है क्या, परमेश्वर है, जिसके एक शब्द से सड़ा हुआ मुर्दा भी जिंदा हो गया है, जिसके एक शब्द से, एक बार बोलने से लंगड़ा चलने लगा है, मरा हुआ जिंदा हो गया है। आज वो अपने आप को क्या किया, दीन किया। चलो हम दीन कर लेते हैं, और फिर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु सहली। क्या सहली भैया, सोच लो, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु सह लिया, और वो चाहता तो सबको हरा देता, जो लोग सलीब पे उसे चढ़ाने जा रहे थे, हैं? दाएं बाएं बाजू में चोर लटका दिए गए थे यीशु मसीह के, और यीशु मसीह को बीच में सलीब पे लटकाया गया था, और आजू बाजू में अगल बगल किसको लटका दिया गया था, 2 को। एक चोर ने क्या कहा मालूम है, अरे अगर आप परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हो,
तो हमें भी नीचे उतारो, अपने आप को भी उतार लो। देखो कितना हठीली बात, कितना शैतान कैसे बोल रहा था उसके अंदर से, क्योंकि मसीह तो इसीलिए आया कि वो नम्र होने के लिए आया, वो दीन होने के लिए आया। वो दिखा रहा था कि देखो मनुष्य आज किस स्वभाव में जी रहा है। हमारी सामर्थ, हमारे अंदर की जो सामर्थ है, जो सुसमाचार की सामर्थ है, वो घमंड में काम नहीं करेगी। वो ईर्ष्या में आप उसको प्रकट नहीं कर सकते हो। जब तक आप नम्रता के स्वभाव में नहीं जियोगे, जब तक आप दीन होकर नहीं चलोगे, यीशु का सुसमाचार की ताकत वहां प्रकट नहीं होगी। पर प्रकट कब होगी? फिर से देखो, यहां प्रकट होगी। मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, अपने आप को दीन किया। क्या किया? बोलो दीन किया। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु सह लिया। क्या सह ली भाई? आज कोई गाली नहीं सहता। आज किसी ने गाली दे दिया, ओ जी हम नहीं चर्च जाएंगे, जाएंगे आज, अब हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, हमको गाली हमको दे दिया गया। पर यहां यीशु ने क्या सहा? मृत्यु सह लिया, मृत्यु सह ली। और फिर क्या हुआ? जब ये आज्ञाकारी रहा, मृत्यु सह लिया, नम्र हो गया, मनुष्य की समानता में आ गया, एकदम अपने आप को शून्य कर लिया, तब क्या हुआ? नौ पद। और फिर उसके बाद क्या लिखा? इस कारण, हाथ उठा के बोलो, इस कारण। किस कारण? किस कारण? नो, इस कारण कि उसने अपने आप को, वो परमेश्वर होकर अपने आप को क्या कर लिया? इस कारण वो परमेश्वर होकर अपने आप को दीन बना लिया। इस कारण वो परमेश्वर होकर अपने आप को शून्य कर लिया। इस कारण वो परमेश्वर होकर, वो सब कुछ कर सकते थे पर उसने ऐसा नहीं किया। वो लोगों को मार सकते थे, लोगों को खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस कारण वो सब कुछ सहते रहे। इस कारण लोग उन्हें गाली देते रहे, लोग उनके ऊपर थूकते रहे, लोग उनके बाल को, उनके दाढ़ी को नोचते रहे, पर वो अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? ऑनलाइन सारे लोग, आपको समझ में आया? देखो हो जी, किसी ने कहा आप जब से यीशु को जान लिया, क्या यार आजकल सिगरेट उगरेट नहीं चलता, आपका क्या बात है भाई? हो जी जब से यीशु को जान लिया, आप किसी को गाली तक नहीं देते हो, किसी को आप शब्द नहीं बोलते हो, क्या हो गया आपको? जानते हो मुझे क्या मिल गया? सुसमाचार मिल गया। सुसमाचार मतलब यीशु मसीह, और यीशु मसीह का कैरेक्टर यही था, वो अपने आप को शून्य कर लिया। आमीन। शून्यता का मतलब वो अब गाली देने वाले को गाली नहीं दे सकते, उसने शून्य कर लिया अपने आप को। अब वो पाप के सहभागी नहीं होंगे, अब वो व्यभिचार के सहभागी नहीं होंगे, अब वो गलत चीजों के सहभागी नहीं होंगे, अब वो किसी गलत चीज में, किसी गलत चीजों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। वो एकदम शून्य हो गया। और लास्ट का पद दिखाओ, जब अपने आप को शून्य कर लिया, इस कारण, यहां लिखा है इस कारण, इस कारण परमेश्वर ने यीशु को अति महान किया। हालेलुया। तो क्या आप महान बनना चाहते हो कि नहीं? आप परमेश्वर के राज्य में चिन्ह बनना चाहते हो कि नहीं? अगर आप चिन्ह बनना चाहते हो तो उसके सुसमाचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में सुसमाचार का हिस्सा है, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो आपके अंदर एक चीज चलना चाहिए कि मैं सुसमाचार में हूं। अगर आप अपने घर का काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि मैं सुसमाचार में हूं। अगर कोई घर का व्यक्ति बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, आपके अंदर एक चीज चलना चाहिए, मैं सुसमाचार में हूं। और एक दिन वो टाइम आएगा, ये वचन पूरा होगा। दिखाओ नौ पद। इस कारण अगर आपने दुख सहा, इस कारण आपने पीड़ाएं सहेली, इस कारण आपने लोगों ने आपको बहुत चीजें कहा, बहुत बुरी बुरी बातें आपको कही गई, बहुत ही कुछ कहा गया, पर देखो इस कारण परमेश्वर आपको नम्रता के कारण, दीनता के कारण, परमेश्वर के साथ बने रहने के कारण, हर घड़ी उसकी उपस्थिति में बने रहने के कारण परमेश्वर आपको महान करेगा यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।